नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक टोटके की बात करेंगे, जिस टोटके को या जिस उपाय को करने से व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो लाल किताब के अनुसार ये टोटका इतना कारगर है कि इसको करने से व्यक्ति धीरे धीरे शांत चित्त होने लग जाता है और वो शांति से बात सुनता है दूसरों की और एकदम से रिएक्ट नहीं करता है। तो कई व्यक्ति बात बात में चिढ़ता है, कोई व्यक्ति है जो बात बात में चिढ़ता है, कई बार उसको समझा देते हैं, कई बार उसको एहसास करा देते हैं कि वो ये इस टाइप का व्यवहार कर रहा है, फिर भी उसको लगता ही नहीं है कि वो गलत व्यवहार कर रहा है और बात बात पर उसको क्रोध आ जाता है, बात बात पर उसकी मन की स्थिति हिल जाती है, कुछ कोई भी सामने वाला आदमी उसको हिला देता है, उसका मन मतलब उसका मन इतना कमज़ोर है कि कोई हर भी उसको जरासी भी कुछ बात बोल दी वो क्रोधित हो जाता है। तो अगर आपके भी परिवार में या आपके भी आसपास इस टाइप का कोई व्यक्ति है जिसको बात बात पे क्रोध आता है और क्रोध में वो अपना आपक होता है, तो आप ये लाल किताब का उपाय करें। उपाय इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि आप चमेली के फूल लेके आएँ, चमेली के फूल से उस आदमी को मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि चमेली का फूल वैसे भी शांति का और सफ़ेद कलर का होता है, शांति का ही वो प्रतीक होता है। तो आप चमेली के पुष्प लेके आएं और ये उपाय आप सोमवार और शुक्रवार को करें। जहाँ वो व्यक्ति सोता है उसके सिरहाने एक पात्र में, चाहे गिलास हो या कुछ भी कटोरी हो, उसमें पानी भर के ये चमेली के पुष्प उसमें डाल दें सोमवार को और पूरी रात वहीं रहने दें और उसकी सुगंध वो व्यक्ति सूंघता रहेगा और वो सुगंध उसके ऊपर दिमाग पे असर डालेगी और उसका क्रोध शांत होएगा सुबह। फिर जब शुक्रवार आए तो शुक्रवार को भी आप इसी प्रकार से चमेली के पुष्प लाएं और उसके सिराने रख दें, दूसरे दिन आप उन पुष्पों को हटा लें और किसी गमले में डाल दें। हर सोमवार और शुक्रवार को ये उपाय करने से व्यक्ति का क्रोध जो करने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है और क्रोध की मात्रा भी उसकी कम होती जाती है। तो अगर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो आप ये उपाय करें। इससे इतने सकारात्मक परिणाम आते हैं कि व्यक्ति को मानसिक स्थिति व्यक्ति की अच्छी हो जाती है और वो प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। लाल किताब का यह कारगर उपाय है, इसको करके और आप घर में सुख शांति रखें और सुख समृद्धि पाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपका आने वाला जीवन सुखी और समृद्धिशाली बने।